अब तक आपने देखा जैसे ही राज मंदिर की तरफ बढ़ता है कान्हा जी की पालकी निकलती है। राज देखता है कि पालकी उठाने वाले की तबीयत खराब है तो वो आगे बढ़कर खुद पालकी उठाता है। सब उसे प्रशंसा की नजर से देखते हैं, लेकिन तभी राज अवनी को देखता है और देखता ही रह जाता है। गरीबों को दान बांटते हुए अवनी गलती से राज को भी 50 रुपए दान में देती है, फिर जल्दी से भागती है। जब उसकी पायल वहीं गिर जाती है, राज उसे उठा लेता है। दादाजी अपने बचपन के दोस्त सुधीर की तस्वीर भावना को दिखाकर अफसोस जताते हैं कि उसके बेटे ने लव मैरिज कर ली। अक्षत उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। अब आगे तुम्हें अपने घर पे लाना चाहता हूं अर्पिता, पर कैसे लाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। हेलो। अच्छा बच्चू, चुप चुप के फोटो देखी जा रही है ना? नहीं नहीं बुआ साहब, फोटो नहीं तो। अरे रहने दे रहने दे, जग की जाने साबरा, जयपुर की जाने सावरी। सच बता, मन में लड्डू फूट रहे ना तेरे, इसलिए तो सुकेत भैया से पहले घर वापस आ गया। सोचा होगा अकेले बैठ के फोटो निहारूंगा, अपनी ड्रीम गर्ल के ड्रीम्स देखूंगा। क्यों नहीं वो ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं। हाय तेरी फोटो वाली बात सुन के ना मुझे मेरे दिन याद आ गए। पता है तेरे फूफा सा की फोटो भी मैंने चुपके से ही देखी थी और बस देखते ही प्यार हो गया था उनसे। और फिर सावरा जी की कृपा कि बाऊ जी ने उन्हें ही चुन लिया मेरे लिए। तुझे भी जो फोटो सबसे ज्यादा पसंद आई हो ना उस फोटो को तू सबसे आगे करके रख देना, समझा कि नहीं? बच्चू तस्वीर से तकदीर बदलने वाली है तेरी भी। अच्छा सुन, मैंने भैया के लिए फोन किया था, पता नहीं क्यों का फोन बंद आ रहा है। तेरे फूफा साहब को काम था उनसे। भैया आए कह देना एक बार बात कर ले, ठीक है? जी बुआ साहब। क्या हुआ? सफेद बाल। सफेद बाल? और आपके सिर में? हाँ, नहीं मेरे सिर में क्यों होगा, वो तो कॉकरोच था। उसका बाल सफेद था, तू रख अभी, बाय। तस्वीर से तकदीर। कहाँ गायब हो गया? अरे यही तो रखा था। ये ले जूस पी ले। क्या कर रहे तू? हाँ एक्सरसाइज तो नहाने से पहले करते हैं ना? एक्सरसाइज नहीं कर रहा जीजी, नोट ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, यही तो रखा था मैंने। अरे उस नोट की बात तो नहीं कर रहा जो तेरे वॉलेट के नीचे रखा हुआ था? हाँ हाँ वही वही 50 का नोट, आपने देखा उसे? देखा मतलब मैंने ही तो उठाया था उसको वहाँ से। आपने उठाया? कहाँ है, कहाँ रखा? रखने के लिए थोड़ी उठाया था बाबा, देने के लिए उठाया था, दे दिया। तो सुबह केक लेकर आया था ना डिलीवरी बॉय, उसको टिप देने के लिए मेरे पास छुट्टे पैसे ही नहीं थे, तो मैं यहाँ तेरे रूम में आई, यहाँ मुझे तेरे वॉलेट के नीचे वो नोट मिल गया, मैंने उसको दे दिया। अरे वैसे भी रंग लगा हुआ नोट था, कोई नहीं लेता उसको, मैंने निपटा दिया। What? आपने वो नोट केक वाले को दे दिया? जीजी आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? ओए, तू जो मेरे पर्स से कभी 500 कभी 1000 का नोट निकाल लेता है तब बढ़ाकर पूछ लेता है मुझसे, पूछ तो लिया होता। जीजी आप समझ नहीं रहे हो, पैसों की बात नहीं है। अच्छा आप केक वाला कौन सी शॉप से आया था? अरे केक तो मैंने यही 5 बत्ती के सिग्नल से मंगाया था, लेकिन वो डिलीवरी बॉय बहुत जल्दी में था राज, कह रहा था कि पुराने किले डिलीवरी के लिए जाना है, लेकिन अब तू कहाँ ढूंढेगा उस डिलीवरी बॉय को? हा? रुक, मैं तुझे 50 के बदले ना 100 का नोट देती हूँ। नहीं जीजी मुझे वही नोट चाहिए। अरे ऐसा क्या खास है उस नोट में? वो मेरी लकी नोट है जीजी। अरे किसने दिया? पार्टी बनाते वक्त आंच का खास ध्यान रखना पड़ता है, अगर थोड़ा अपनी देख जल गया, ये पकड़, आंच अगर थोड़ी सी भी तेज हो ना तो बाटी जल जाती है इस तरह से, और आंच धीमी हो तो कच्ची रह जाती है बाटी। और हाँ चिमटे को ना बार बार घुमाते रहना चाहिए जैसे माँ करी, वरना एक ओर से कच्ची रह जाती है। बहुत ही पेशेंस और परफेक्शन की जरूरत होती है ना माँ? वैसे तो किचन में आने के नाम से भी तेरा सर दर्द हो जाता है। आज क्या हो गया, बड़ी शेफ बनी घूम रही है? तू कुछ भी कर ले मैं तुझे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन नहीं दूंगी। नहीं माँ मैं तो कॉन्सर्ट के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, वो देविका सीख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी देख लूँ।
वाह 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 वाह, दाल बाटियां बनाई जा रही हैं, वाह वाह वाह। अरे पे पाउची। गरम तो था बेटा। आप पाउची है भाई। हाँ। पता है पाउची, माँ मुझे और देविका को दाल बाटी बनाना सिखा रही है। हाँ, ये घी का तड़का। जवाब नहीं है बेटा, क्या खस्ता बाटियां बनाई हैं? तू मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा बना ले। ठीक है पाउची, बन जाएगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वॉक करनी पड़ेगी। उसके लिए तो मैं 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगा लूंगा। बेटा जरा नींबू। दाल बाटी के साथ नींबू जरा खा के देखो, ये हुआ नींबू का तड़का, अब खाओ। अरे रुक रुक, कैसा है? वाकई बाबूजी, कमाल का आइडिया है ना। लेकिन बेटा ये आइडिया मेरा नहीं, तुम्हारी दादी का है। हर बार खाने में कुछ नया ही करती थी, 25 तरह के तो पापड़ बनाती थी, है ना बहू? याद है बाबूजी। दादी को मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन दादाजी की बातों में आज भी दादी के लिए प्यार अच्छा लगता है। नहीं मिला जीजी, मैं बस अब किले पहुंचा ही हूँ। ओके बाय। ओ भाई साहब, भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कोई केक की डिलीवरी हुई थी क्या? हाँ, ऊपर कोई पार्टी चल रही है, केक वाला आया था, शायद निकल गया होगा। सर आइए आइए। भाई साहब जी, यहाँ पे कोई केक की डिलीवरी हुई थी। जी हाँ, पर अभी वो थोड़ी देर पहले निकल गया। कब? अभी 5 मिनट हुआ है। हेलो, सुनिए मिस्टर केक डिलीवरी, सुनिए सुनिए सुनिए। वो 50 का नोट। कौन सा? अरे जो एनिवर्सरी केक माधुरी सिंह का डिलीवर किया था, वहाँ एक 50 का नोट मिला आपको, वो। भाई साहब कौन सा 50 का नोट, मुझे क्या पता। अरे वो नोट गुलाबी रंग का था, उसमें गुलाल लगा था, कोई नहीं लेगा वो नोट। प्लीज मुझे दे दो, मेरे लिए बहुत लकी है, प्लीज। उसके बदले में आपको 500 रुपए देता हूँ। 500 रुपए? चलो देखता हूँ। ये तो नहीं है। भाई साहब अब एक बात बताओ, आपने इस 50 के नोट के लिए 500 रुपए दे दिए, तो ये कहाँ से लकी हुआ? यहाँ से, जो गुलाबी रंग इस पे चढ़ा है वही गुलाबी रंग यहाँ भी चढ़ा है, और आज तुमने उसे टूटने से बचा लिया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ये लड़का पागल हो गया है। इसे पागलपन नहीं, इसे प्यार कहते हैं, इसे प्यार हो गया है, और ये बात इसको खुद को भी नहीं पता। फोटोग्राफ्स देखने में, और अब छुप छुप के फोटोज देखी जा रही है। अवनी, मैं यहाँ अपनी फाइल लेने आया था, और सच में मुझे ये
फोटोग्राफ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे अक्षय तुम आ गए, तुम्हारी बुआ ने कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ सिलेक्ट किए तुम्हारे लिए। मैं बस पाउचे को दिखाने ही वाली थी, अब तुम आ ही गए हो तो पहले तुम देख लो। नहीं माँ, आप लोग देख लीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। रियली भैया? अरे देख ले बेटा, आजकल तो बच्चों की पसंद पहले देखी जाती, वरना हमारे जमाने में ना तो लड़की दिखाई जाती थी और ना उसकी तस्वीर। तेरी दादी को शादी के पहले मैंने देखा तक नहीं, तुझे मौका मिला है और तू मना कर रहा है। आजा देख ले। आ नहीं बाबूजी, मुझे खुद से ज्यादा आपकी पसंद पे भरोसा है। आप लोग देख लीजिए, और वैसे भी मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। तो ठीक है, फिर तू मीटिंग करके आ जा, सुकेत भी तब तक आ जाएगा, फिर रात में साथ मिलकर देखें, ठीक है? है ना बहू? जी भाऊ जी, मैं तस्वीरें अभी अंदर संभाल के रख देती हूँ इससे पहले कि यहाँ हो जाए। अभी तेरे भैया के लिए लड़कियां सिलेक्ट करें, आजा तू भी देख ले। बाऊ जी, शास्त्री जी ने ये कुछ 5 फोटोज। अवनी, शास्त्री जी ने जो फोटोज दिखाई थी उसमें से तेरी बुआ ने तो सिर्फ 5 ही सिलेक्ट की थी ना? पता नहीं माँ, याद नहीं, शायद इतनी होंगी। हाँ पर ये तो 6 है। अरे बेटा 5 हो या 6 क्या फर्क पड़ता है, शादी तो किसी एक से ही होनी है ना, और उसी से होगी जिससे इसके जोग संजोग मिलेंगे। ला आओ बेटा, तुम भी आ जाओ देख लो। ठीक लो बेटा देखो। हमारी आखिरी फोटो, ये फोटो तो मैंने पहले नहीं देखी। मुझे याद है शास्त्री जी ने ये फोटो नहीं दिखाई है हमें। माँ, शास्त्री जी ने 500 लड़कियों की तस्वीर दिखाई थी, अब किस किस को याद रखोगे? मैं देखूं? हाँ देखना। ये इसे तो मैं जानती हूँ, मेरे कॉलेज में सीनियर थी। अरे हाँ, ये तो हमारे कॉलेज की हेड गर्ल थी। हाँ इतनी खूबियाँ, देखना बेटा परिवार वालों के बारे में कुछ जानकारी लिखी है क्या? जी बाऊजी। अरे बाऊजी, ये लड़की तो हमारी जयपुर की ही है, इसका नाम अर्पिता है और इसके पिताजी का हीरो का व्यवसाय है, खानदानी बिजनेस इनका ज्वेलरी का। बाऊजी दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अब जरा उससे भी तो पूछ ले जिसकी जोड़ी बननी है। ला बेटा। देख बेटा तुम्हें पसंद है। अब मैं क्या देखूं भाऊजी, अगर आप सबको पसंद है तो किसी से बात कीजिए, आप लोग जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। मिल गया तुझे तेरा लकी नोट? हाँ जी जी मिल गया। अब तो बता दे क्या खास है उसमें। अरे जी जी वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। फ्रिज में ब्रेड बटर पड़ा हुआ, चुपचाप से खा ले, और अब ना मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, बहुत काम है मेरे पास। See what I got? ब्रेड बटर एंड आलू भुजिया। ब्रेड बटर और भुजिया, नाइस सेट है बॉस। राज क्या कर रहे तू? मैं सुबह से घर की सफाई कर रही हूँ, कम से कम एक प्लेट ले लेता तो। अरे हाउ मीन, मुझे लगा तूने मेल नहीं बनाया। लेके आइए कब मैं क्या खुद का बनाना ना भुजिया सैंडविच। अच्छा बच्चू,
वेरी स्मार्ट, लेकर आई मेरे नाम से और खुद खाने लगी। आंटी को क्या लगेगा कि मैं बुक करूं? आइडिया यही है कि माँ को लगे कि ये तूने खाया। वो क्या है ना, हमारे घर में बिटवीन मील्स कुछ खाना अलाउड नहीं है, सब कुछ टाइम टू टाइम, 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच। वैसे अवनी, तुझे नहीं लगता कि तेरे घर में कुछ ज्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है? ये बुजिया कुछ कम नहीं है? आई डोंट थिंक तेरे लिए बचेगा। और ये हो गया साफ। ओए, ठीक से साफ करा, अभी ये सब गंदा पड़ा हुआ है। अरे यार, 2-4 दानों से क्या हो जाएगा जी? जी अच्छा जी, तुम्हारे 2-4 दानों के चक्कर में ना 200 चीटियां आ जाएंगी। और वैसे भी आज मेरी एनिवर्सरी है, मुझे तो घर को सजाना है, गंदा नहीं करना है। अच्छा, घर सजाने के अलावा और भी कोई स्पेशल करोगे नहीं मेरे जीजू के लिए? अरे आज तो मैं तुम्हारे जीजू को ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा, ऐसा भी क्या स्पेशल करने वाली हो आज? मैं ना उनके लिए कपकेक बनाऊंगी और फिर अपने हाथों से खिलाऊंगी। कपकेक? क्या? और राज ऐसा नहीं हो सकता। ओ तेरी, और राज ये नहीं हो सकता, वो बोलते सब झूठ है यार। काश जीजू ये झूठ होता, बट क्या करूं, यही सच है। आपको जीजू के हाथ का कपकेक खाना ही पड़ेगा। ओए सुन के मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है यार। ओए राज, मैं तेरी बहन वास्ते सरप्राइज गिफ्ट लेने आया हूँ और तू मुझे उससे बड़ा सरप्राइज दे रहा है। ओए कुछ तो कर यार। करना तो आपने है, जीजू के हाथों से बड़े प्यार से रेड वेलवेट कपकेक खा रहा है आपको। अरे आप टेंशन मत लो, आपको तो इसकी आदत है जीजू, आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इतना आसान नहीं होता होगा ना तुम्हारे लिए इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहना, जिसे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कह रहे वो हमारे घर की परंपरा है। बट स्टिल अम्मी, अगर ये रूल्स एंड सॉरी तुम्हारे ट्रेडिशंस नहीं होते तो तुम्हें भी परमिशन मिल जाती है ना कॉन्सर्ट के लिए, जैसे मुझे मिल गई अपने मॉम से, तो मुझे भी मिल जाएगी। तो टेंशन मत ले, मना लूंगी मैं माँ को। अच्छा, और अगर नहीं भी मानी ना तो बोल देना अपनी भैया की तरह कि जैसा आप ठीक समझो माँ। हाँ यार, एक्चुअली भैया को एटलीस्ट फोटोज तो देखनी चाहिए थी, अपनी पसंद या नापसंद के बारे में एटलीस्ट माया दादा सा को तो बताते। बोल तो ऐसे नहीं है जैसे कि खुद उनको बता देगी अपने पसंद के बारे में। हाँ यार, मैंने तो उस बारे में सोचा ही नहीं। तो नो प्रॉब्लम, अब सोच ले। चल अपने दिमाग पर जोर लगा और दिल से सोच और बता कैसा लड़का चाहिए तुझे। सबसे पहले तो वो शांत स्वभाव का हो, ज्यादा बोलता ना हो, बिल्कुल पापा जैसा। कैसे चुप हो जाऊं, आप मेरी बात समझती नहीं हो? आपको पता है एक रिसर्च के हिसाब से एनिवर्सरी वाले दिन लड़कियों को शादी वाले दिन जैसा ही तैयार होना चाहिए। अच्छा, तुझे जैसे बड़ा पता। हाँ, तू चुप करके बैठ, और एक घंटे से मेरा सिर खाया जा रहा है। अरे शादी वाले दिन अपने 5 घंटे लगाए तो आज 6 घंटे लगाओ। आज कितना बोलता है तू? जीजू जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, आज आपकी एनिवर्सरी है, कुछ अच्छा सा पहनो ना, जीजू देख के लट्टू हो जाएंगे। अरे क्या शॉपिंग की है आपने? छी, वेरी बैड, इन कपड़ों में उनकी आंटी लगती है। आंटी? वो आंटी लगती तुझे? आंटी लगती हूँ? चल तू निकल यहाँ से। जब तक आप करेक्ट चॉइस करोगी मैं नहीं जाने वाला। ओए, तुझे मुझे बताने की ना कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो पहनना मैं वही पहनूंगी। हाँ, और वैसे भी तू बताएगा मुझे? हाँ ये बताएगा मुझे? हाँ बताऊंगा। बताना क्या, और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? थोड़ा डार्क होना चाहिए, मेहंदी। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल प्रिटी लगना तो लड़कियों का काम है ना? वैसे पता है मुझे भी ना गोरे चिट्टे लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तू है ना गोरा चिट्टा, बस बहुत है। और वैसे भी मुझे तो मेकअप चेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है। अब गोरा चिट्टा हूँ तो हूँ, इसमें जलने की क्या बात है? ओ हेलो, मैं जलेस हूँ तुझसे। हाँ ऑफ कोर्स यू आर जेलस। अब और कुछ है तो वो भी बता दे। हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, उसकी आंखें। आंखें? हाँ, वो कुछ ना बोले पर उसकी आंखें बोलनी चाहिए। उसकी आंखों में कशिश, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऐसी ऑनेस्टी कि उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने का दिल करे। ये हुई ना बात, नाउ आई लुकिंग गॉर्जियस। खुश? अब जाओ। चल। नहीं नहीं, जाने में आपको अभी नहीं दूंगा। अब क्या हुआ राज, अब तो मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ। दीदी पहले अच्छे से मेकअप तो कर लो। क्या राज, मैं तैयार ही होती रहूंगी तो तेरे जीजा जी के लिए कपकेक कौन बनाएगा? हाँ नाई बोने तो बढ़िया है। क्या
अरे मेरा मतलब है कि पहले आप अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर कब कहीं बना देंगे। आओ जी जी बैठो, आ जाओ आ जाओ। हे भगवान, वो क्या है? क्यों किधर? दीदी दरवाजा खोलो प्लीज। दीदी माय डियर भाई, अब तो ये दरवाजा कपकेक बनने के बाद ही खुलेगा। सॉरी जीजू, बहुत ट्राई किया, अब तो कपकेक खाना ही पड़ेगा आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी सारी क्वालिटीज वाला लड़का मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ना मिले, मैं कौन सा उसे ढूंढने निकली हूँ। पर जब भी मिले उसमें एक चीज जरूर होनी चाहिए। कौन सी चीज? एक कनेक्ट। और चाहे जो हो ना हो, उसमें और मुझे एक कनेक्ट जरूर होना चाहिए। कैसा कनेक्ट? आई डोंट नो, पर कुछ ऐसा जो मुझे उसकी तरफ खींचे, कुछ ऐसा जो हम दोनों महसूस कर सके। वो एक बात, वो एक कनेक्ट, है ना? ओ माँ, मेरी दूसरी पायल। रुक सी गई धड़कने, पल भी क्यों थम सा गया। मुझको हुई ना खबर